हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तीसरी निशानी अल्लाह फरमाता वल आफीना अनिल नास, और मुत्तकी वो है जो लोगों को माफ कर देता है। तो गलती हो जाए किसी से माफ कर दिया, इधर उधर की हर छोटी छोटी बात को इशू न बनाई। तुमने ऐसा कह दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने 5 रुपया ले दिया, ऐसा कर दिया, तुमने फलां जगह जो है मेरी जमीन बांट दी, माफ कीजिए। एक उसूल यहां पे याद रखिए, बहुत प्यारा उसूल दे रहा हूं और हर जगह फिट कीजिएगा इसे, और जहन के बिल्कुल जो है हाशियों में इसको चिपका के रख लीजिए, महफूज कर लीजिए। हम अल्लाह की मखलूक के साथ जो सलूक करेंगे अल्लाह हमारे साथ वही सलूक करेगा। ये उसूल याद रखिए, हम अल्लाह की मखलूक के साथ जो सलूक करेंगे अल्लाह हमारे साथ, ये हदीस में मौजूद है। ये सारी चीजें अलग अलग, इस तरह नहीं जिस तरह मैं बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर फरमाया, अगर तुम अल्लाह के बंदों के ऐब छुपाओगे अल्लाह कयामत के दिन तुम्हारे ऐब छुपा देगा। एक हदीस में फरमाया, अगर तुम अल्लाह के बंदों को माफ करोगे अल्लाह कयामत के दिन तुम्हें माफ कर देगा। एक हदीस में फरमाया कि अगर तुम्हें गुस्सा आए तो मुझे याद करो, तो मुझे याद करो, तो अल्लाह कहता है जब मुझे गुस्सा आएगा ना तो मैं इस चीज को याद करूंगा कि गुस्से के वक्त तुमने मुझे याद किया था, तो जब मुझे गुस्सा आएगा तुम्हारी बदामाली पे तो मैं तुम्हारी उस सिफत को याद करके तुमसे इंतकाम नहीं लूंगा, दरगुजर कर दिया गया। तो उसूल ये जहन में रखिए कि हम अल्लाह की मखलूक के साथ जैसा करेंगे अल्लाह हमारे साथ वैसा करेगा। वला अफीना अनिल नास, मुत्तकी वो है जो लोगों को माफ कर देता है। तो ये उम्मीद रखें कि हम लोगों को माफ करेंगे अल्लाह हमें माफ करेंगे। हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान, भलाई का बदला भलाई, ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है कुरान ने कहा। तो माफ करना सीखिए, माफ करना सीखिए। रसूलुल्लाह ने क्या किया था, किनको किनको माफ किया, कैसे कैसे लोगों को माफ किया, जिन्होंने महबूब तरीन चचा को कत्ल किया था उनको माफ किया। और सिर्फ कत्ल ही नहीं, इतनी दर्दनाक शहादत हुई थी सैयदना हमजा की, तो कत्ल किया गया, उसके बाद लाश का मुसला किया गया, हाथ काटे गए, पैर काटे गए, कान काटे गए, नाक काटे गए, होंठ काटे गए, हत्ता के सीना चाप करके दिल निकाल के उसे चबाया गया, और आजाए जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी का हार बनाकर गले में डाला गया। रसूलुल्लाह ने उनको भी माफ किया। ये जिगर था रसूलुल्लाह का, कमाल है जिस अदा को देखो, मोहम्मद मुस्तफा को देखो। हम भी ये जज्बा अपने अंदर पैदा करें ना, हम रसूलुल्लाह की सुन्नतें हैं, सीरत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो जा रहे हैं। सुभान अल्लाह कहना हक नहीं अदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कह लेने से हक नहीं अदा होगा, हक तो उस वक्त अदा होगा कि हम रसूलुल्लाह की सीरत को अपने वजूद में उतारें। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया। फतह मक्का के दिन हुजूर आए, जब मक्के में दाखिल हुए, मुशरिकी ने मक्का सोच रहे थे पता नहीं मेरे साथ क्या हो, पता नहीं मेरे साथ क्या हो, पता नहीं मेरे साथ क्या हो। हुजूर ने खुद ही पूछा, लोगों तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा, क्या करने वाला हूं। लोग भी बड़े चालाक थे मक्के वाले, बड़े होशियार थे, उन्होंने जवाब दिया, आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे करम की ही उम्मीद रखते हैं। उन्होंने कहा करीम बाप के करीम बेटे हैं, हम आपसे करम की ही उम्मीद रखते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ आज मैं तुम्हें वही जवाब देता हूं जो जवाब यूसुफ ने अपने भाइयों को दिया था, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम इज़हबू अंतुम तुलका, आज के दिन तुमसे कोई मुआवजा नहीं किया जाएगा, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, जाओ मैंने हर खून तुम्हारा माफ कर दिया, सबके सब आजाद हो, सबके सब के लिए आम माफी। तो ये जज्बा कब पैदा होगा, हम अपने भाई को नहीं माफ करते, अपने सगे भाई को नहीं माफ करते। बदलिए अपने आप को, खुदा के वास्ते बदले हम अपने आप को। वलाफीना अनिल नास, मुत्तकी कौन है, लोगों को माफ करने वाला। उसके बाद का वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और मुत्तकी कौन है, लोगों के साथ एहसान करने वाला, एहसान कीजिए लोगों के साथ, भलाई कीजिए।
اللہ نے کہا اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، تو پتہ کیا چلا؟ جو احسان کرے گا وہ متقی ہے، جو متقی ہے وہ جنتی ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اب دوسری آیت سنیے، والذین اذا فعلوا